क्या बात है, क्या देखते हैं? फोटो फोटो ले रहे हैं, क्या देख लो? हेलो, क्या हुआ? तुझे क्यों टाका फोटो बन रही? चाय
कर्म का क्या होता है? संकल्प होगा अच्छा गड़बड़ नहीं होगा कोई काम कोई काम नहीं पैदल हम चल रहे हैं सवाल यह संबंध है ये तो Thank you.
कोई जरूरी नहीं कि समाज में जो कुछ हो रहा है या उसके जो भी कुछ कायदे कानून है उससे हर कोई सहमति रखता हो। सबकी हाँ को नहीं कहने वाला भी एक तबका सदियों से हमारे समाज में है और इसी तबके ने कई बार समाज में क्रांति पैदा की है। अपने इस कार्यक्रम में हम घूमेंगे, मिलेंगे ऐसे लोगों से, सुनेंगे उनके स्वर और पहचानने की कोशिश करेंगे उनकी आवाज को। हिंदू धर्म के आचार्यों के बीच इन दिनों जबरदस्त खलबली मची हुई है और इस खलबली की वजह है एक सन्यासिन को शंकराचार्य बनाने की कोशिश। आज तक कोई भी महिला या कहें सन्यासिन शंकराचार्य नहीं बन सकी है, लेकिन हरिद्वार में अमेरिका से आई एक सन्यासिन मां ज्योतिषानंद सरस्वती को शंकराचार्य के समान पार्वताचार्य की पदवी से सम्मानित करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान इस कोशिश की सूत्रधार है मां योग शक्ति। मां योग शक्ति का नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इस बहस में जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हिंदू शास्त्रों में शंकराचार्य की क्या परिभाषा है। आदि शंकराचार्य धर्म रक्षा के लिए शंकर का अवतार मानते हैं। वो चार पीठ बनाए, चार मठ, चार दिशा में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उस गांधी पर जो बैठेंगे वही शंकराचार्य माने जाएंगे और बाकी सब निरर्थक है, मनमुखी है। भगवान शंकराचार्य को स्थापित होने के लिए 32 साल में भी पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ा और कोई ऐसा अपने 12 दर्शन के अंदर एक भी दर्शन का ऐसा आचार्य नहीं था जो भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ नहीं किया हो और उनकी बुद्धि प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया हो। तब से लेके आज तक के सारा इतिहास देश विदेश वाले सब उनको एक स्वर से स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य की धोबी चार फीट के द्वारिका पूरी मैंने गोवर्धन पी, सिंगेरी पी और द्वारिका पी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को लेकर हरिद्वार के साधु संत समाज की ये सीधी साधी सोच है, लेकिन अब इस सोच में खलल पड़ा है।
अकालक भी ऐसा जिसने पूरे हरिद्वार में तूफान खड़ा कर दिया था। तूफान अभी थमा नहीं है। शास्त्रों में जो है साधु संत समाज उस लकीर को ही अपना धर्म मानता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी लकीर और खींची जा चुकी है और ये लकीर है माँ योग शक्ति। बीच में कुछ ऐसी परंपरा भी कि माताओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बातें हो गई। लेकिन पहले प्राचीन काल में कन्याएं भी जनेऊ या उपनयन संस्कार के अधिकारी थी और उन्हें भी वेदों का ज्ञान था और वेद के मंत्रों का उच्चारण करती थी, वो भी मंत्र दर्शा होती थी। हरिद्वार में कनखल और कनखल में माँ योग शक्ति का आश्रम। कहने को आश्रम एकदम नया है, लेकिन ये आश्रम इतनी जल्दी लोगों की नजरों में आ जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। दरअसल विवाद की बात उतनी नहीं है जितनी एक नई सोच की। माँ योग शक्ति ने अभी कुछ दिन पहले ये इच्छा जाहिर की कि वो संन्यासिन माँ ज्योतिषानंद सरस्वती को पार्वताचार्य बनाना चाहती हैं। पार्वताचार्य की परिभाषा कुछ इस तरह बनी कि वे महिलाओं में शंकराचार्य के समान मानी जाएंगी। स्त्रियों को मुझे आगे बढ़ाना है और एक पद बनाने की इच्छा है कि माताओं का मार्गदर्शन माताएं करें और माताएं आपस में ज्यादा अच्छा चर्चा कर सकती हैं, विचार कर सकती हैं। और माताओं को सुविधाएं उतनी नहीं मिली क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल हमेशा रहे, इसलिए उनको उतनी सुविधा नहीं मिली, वो पीछे रह गई। बचपन से बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है मैंने, तो ये देखते हुए ये आवश्यक है कि माताओं के लिए व्यवस्था की जाए। इसमें कोई स्पर्धा की भावना नहीं है कि कोई से किसी के साथ हमको रिवाइवरी नहीं है, किसी के समकक्ष नहीं बनना है, लेकिन माताओं को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करना ये समाज का धर्म है, उसमें मेरा भी धर्म है क्योंकि मैं स्त्री शरीर में हूँ, इसलिए जरूरी है कि मैं उनके साथ सहानुभूति रखूँ, उनके लिए कार्य करूँ। सन्यासिनी को भी शंकराचार्य के समान दर्जा, बात अपने आप में अजीब सी है, बिल्कुल नई है और हमारे इतिहास में पहली बार है। नई इसलिए कि इस तरह शास्त्रों को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। आखिर माँ योग शक्ति को ये विचार आया कहां से और क्यों? तो कोई नया विचार नहीं, बड़ा प्राचीन विचार है कि माता पहली गुरु है, पिता दूसरा है, आचार्य दूसरा है। और मुझे जितना माताओं से प्रेम है उतना ही पिताओं से प्रेम है, जितना अपने भाइयों से प्रेम है उतनी बहनों से भी प्रेम है, जितना पुत्रों से प्रेम है उतना पुत्रियों से भी प्रेम है। तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, माताएं अपने स्वरूप को भूल गई है, उनको स्मरण दिलाना है मैंने, और सिर्फ माताओं के कल्याण के लिए मैंने ये विषय उठाया था और अभी भी चलेगा ये विषय। उन्होंने ये सोचा था कि महिलाएं भी अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य तो कर ही रही हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा उन्हें समाज में लोगों को प्रेरणा मिले और जो अच्छे कार्य कर रही हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे प्रभावशाली हैं, तो उनकी भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। तो ये सोच करके उन्होंने एक पर्वताचार्य का मन में ये निश्चय किया था कि हम एक आचार्य का, जैसे महामंडलेश्वर और वो करते, एक विशेष विश्लेषण लेकर के उन्होंने पर्वताचार्य की उपाधि देने का मन में सोचा। परंतु उन्होंने सोचा तो ये था कि हरिद्वार है और जिसमें से कनखल में ये उपाधि दी जा रही थी, तो माँ सती और माँ पार्वती की नगरी है, तो इसलिए यहाँ तो माँ का ही नाम होना चाहिए, इसलिए पार्वताचार्य उन्होंने ये उपाधि निकाली।
ये बात है मार्च महीने के पहले सप्ताह की, जब अचानक हरिद्वार के अखबार इस खबर से रंग गए। मां योग शक्ति के लिए ये सब बेहद सहज था, लेकिन घर की चार दीवारी में कैद महिलाओं और देश भर की सन्यासिनों के मन में एक ही सवाल कि ये पार्वताचार्य क्या है। पार्वती हमारे भगवती हैं, देवी हैं, हमारी आराधना आज बचपन से चल रही है। पार्वती की आराधना सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पार्वताचार्य शब्द किया उन्होंने, तो पार्वती माँ भगवती हैं, भगवान शिव की पत्नी, उनके नाम को उन्होंने ले लिया पार्वती। और आचार्य जो पांडित्य प्रखर हैं, तो उन्होंने आचार्य शब्द वो लिया कि ये सब तरह के जिससे जो कुशल हैं, और पार्वती के नाम को जोड़कर ये उपाधि उन्होंने ये नाम दिया था। माँ योग शक्ति के आश्रम में हम दो दिन रहे, माहौल एकदम आश्रम जैसा ही। आश्रम में माँ ज्योतिषानंद सरस्वती हमें नहीं मिली क्योंकि वे अमेरिका जा चुकी थी, लेकिन इतना पता जरूर चला कि इस आश्रम में से एक क्रांतिकारी विचार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। महिला स्वयं क्यों, महिला तो हमेशा से जागृत रही है। पार्वती, लक्ष्मी और अरुंधति अनुसुईया सबका उदाहरण हमारे सामने है। मंदिर मिश्र की पत्नी ने हार नहीं मानी थी, पति की हार तो हम नहीं हार मानेंगे जब तक मेरे से शास्त्रार्थ न हो। तो माताएं जो जागृत रहे उनके लिए हमेशा प्रकाश रहा है, और सो जाए हम दोष हमारा है, किसी का दोष नहीं। तो हमारे विचारधारा यही है कि माताओं को वही शक्ति भगवान ने दी जो पिताओं को दी है, और दोनों बराबर हैं, दोनों की आवश्यकता है। पिता ये नहीं कह सकता कि मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगा, माता ये नहीं कह सकती मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। बहन कभी अपने भाई को नहीं हटाएगी, भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है। लेकिन अब रक्षा करने में अगर आप लोग असमर्थ रहोगे तो माता को बहुत कुछ करना पड़ेगा। कोई भी सन्यासिन अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं मानती, क्योंकि सन्यास लेने के बाद वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाती है। ऐसा ही कुछ माँ योग शक्ति के साथ भी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माँ ज्योतिषानंद सरस्वती को बदली देने के लिए 9 मार्च का जो दिन चुना गया, वह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का ही एक हिस्सा था। आखिर एक नया नजरिया रखने और देश के सामने एक नई नजीर पेश करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। हरिद्वार में माँ योग शक्ति से बात करके दो और बातें साफ हुई। पहली ये कि पार्वताचार्य उनके अपने दिमाग की उपज थी या कहें कल्पना थी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने इस बारे में किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया। माँ योग शक्ति के विरोध की और भी तमाम वजह रही, लेकिन ये सब कार्यक्रम के अगले हिस्से में। भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्म से जुड़ा कोई भी मसला वाकई बेहद संवेदनशील होता है, और पार्वताचार्य की बात तो इतनी गंभीर कि पूरा साधु समाज आंदोलित हो उठा है। जो नागा साधु गंगा में पहले स्नान करने के लिए, खून की होली खेलने को म्यान से तलवारें निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके इरादे अब और खतरनाक है। वो तो वायलेंस वाले,
फिर नॉलेज हो जाएगी, हमें नहीं सीख पाना, किसी जान माल खतरे में आ जाएगी हमारा देर नहीं। उन्होंने दिया है, सबने विरोध किया है, लेकिन करने तो उनका भी स्वाभाविक है विरोध। लेकिन बात इतनी बढ़ी कैसे? पार्वत्याचार्य नाम की कोई चीज न पुराण में, इतिहास में, वेद में, ब्राह्मण में, कहीं किसी ग्रंथ में कहीं है ही नहीं। तो उसको विवाद के रूप में जिसका अस्तित्व ही नहीं, कैसे विवाद करेंगे? जैसे समझ लो हरिण के सिंह हो, तो उसमें विवाद हो सकता है कि हरिण का है, भेड़ की है, बकरी की है, और कछुए के सिंह के संबंध में क्या विवाद करेंगे? वो तो संसार में प्रसिद्ध ही नहीं। और खरगोश के सिंह के संबंध में क्या कोई विवाद करे? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पार्वती आचार्य बन करके पृथ्वी में अवतीर्ण हुई, ऐसी कोई बात होती तब तो फिर उनके पीठ में आसीन होने वाले को पार्वती आचार्य ऐसा। पार्वती और आचार्य दोनों शब्द का जो है ना, वो समास भी नहीं बनता है। ये विद्वान लोग, संत महात्मा, ये सब मिलकर शंकर जज को पद में बैठाते हैं, योग्य व्यक्ति, और एक विदेशी महिला उसको शंकर, उसका शंकर प्रबंधन को बुद्धि दे रहे हो, ये तो मनमानी है, पैसा का बल पर कुछ भी कर लो, और सरकार को इसको मानना नहीं चाहिए, एक विवाद पैदा करना चाहिए, और इसके लिए एक संघर्ष, नया संघर्ष का जो है ना रूप नहीं देना चाहिए। भारत को शांति चाहिए, हम शांति का शांति पुजारी है, पर कोई क्रांति सामने धर्म का लिए हमको रक्षा, हमको धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करे तो शांति से हट के हम क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। भगवान शंकराचार्य को तो हम समाज में इसलिए स्वीकार करते हैं कि शंकरम शंकराचार्य, शंकराचार्य को स्वयं भगवान शिव का ही साक्षात अवतार है, शिव ही शंकर के रूप में प्रकट हुए थे ये शंकर, और कोई भी महिला उनका अंश तो हो सकती है, परंतु कोई ये कहे कि वो साक्षात स्वयं ही है तो वो बात नहीं हो सकती है। तो ये पार्वताचारी से ऐसा लग रहा था कि स्वयं जैसे मानो स्वयं वही पार्वती हूँ। लेकिन हमने एक बात और महसूस की, और ये कि विवाद किसी को पार्वताचार्य बना देने पर ही नहीं है, बल्कि कुछ हद तक झगड़ा बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के सवाल पर हुआ था। यानी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता, और सवाल जब हक मांगने का हो तो परेशानी स्वाभाविक है। महिलाओं के लिए विद्वत जरूर है, दूसरे सम्मान दृष्टि से उनको सम्मान दिया जाता है, शंकराचार्य का पद नहीं दिया जाता, ये हमारे विधान में भी नहीं है और हमारे शास्त्र में भी नहीं। कभी था ही नहीं महिला, शंकराचार्य, शंकराचार्य पुल्लिंग है, और पुल्लिंग का जब स्त्रीलिंग कहां से घुसा रहे हो, लिंग बना रहे हो उसे। हम कहते तो है कि महिलाओं को आप बराबरी का दर्जा दीजिए, पर अभी पुरुष हृदय इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, जिसमें महिलाएं पीछे ही रहे तो अच्छा है। तो विरोध सिर्फ इसीलिए हुआ कि ये पार्वताचार्य के पदवी से इनको अलंकृत क्यों किया जा रहा है, एक नई परंपरा की स्थापना क्यों की जा रही है। एक और वजह सामने आई जिसे कैमरे के सामने बोलने के लिए हरिद्वार में कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, कैमरे के पीछे एक स्वामी ने इतना जरूर कहा कि महिलाएं हर महीने अपवित्र होती हैं, इस हालत में वो शंकराचार्य कैसे हो सकती है? शंकराचार्य पार्वताचार्य कहाँ जाएंगे? तू तो प्रकृति की वजह से है, प्रकृति इसमें महिला है, इसीलिए प्रकृति की वजह से ही इसी कमी के कारण को संन्यास किया गया। इसको लेके दूसरे को लेके कि ये क्योंकि महिला है, बहुत ही एक ऑब्वियस और साइंटिफिक इसका जवाब ये है कि ये महिला तो 60 साल के ऊपर की आयु की है, तो इनको आप माँ के रूप में देखिए। ये अब महिला के उस जो विवाद रहता है कि महीने में कुछ दिन महिलाएं इस तरह से रहती हैं कि वो धर्म में हिस्सा न ले पाएं और उनको कुछ अपने इन कार्यों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, और उनको एक तरह से यूँ समझा जाता है कि इस वक्त थोड़ी मैली है। मैं ये तो कह रही हूँ कि ये तो 60 साल से ऊपर की महिला है, इनके साथ तो बायोलॉजिकली भी सब कुछ ये खत्म ही हो गया है। जाहिर है मां योग शक्ति का काफी विरोध है,
और वजह भी एक है, लेकिन बात वही कि धर्म कभी किसी को डराता नहीं बल्कि और हिम्मत देता है। वो तो आशीर्वाद होता है, विरोध को विरोध हम नहीं मानते हैं। यानी बेसक ने कहा कि अपोजिशन मेक्स मी स्पीक बेस्ट, बिना विरोध के बिना आलोचना के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सीढ़ियां जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है सीखना होने से। मतभेद में भी आनंद आता है ना, हर एक व्यक्ति एक ही रंग का कपड़ा पहनने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सबका घर एक ही जैसा हो जाए तो कुछ तो सुविधाएं होती हैं, लेकिन आनंद के लिए कुछ रेखा से हट करके कुछ करना पड़ता है। भगवान ने मेरे को छोटा बनाया, छोटे छोटे हाथ हैं, इन छोटे हाथों से जितना कर सके करना चाहिए। हरिद्वार में इन दिनों इस सदी का अंतिम महाकुंभ चल रहा है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर होने के नाते मां योग शक्ति की भागीदारी भी कुछ कम नहीं, लेकिन असली सवाल अस्तित्व की लड़ाई का है। मीरा भक्ति श्रेष्ठ थी, उन्होंने भी घर त्याग दिया और भक्ति का प्रचार किया, स्वयं भक्त थी। और इंदिरा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ किया, भंडार नायक ने लंका में कुछ किया, लंदन में बहुत कार्य किया, जिस तरह से माताओं ने काफ़ी काम किया है। प्राचीन समय में कैकेयी भी युद्ध में जाती थी, सीता भी राम के साथ वन में गई, उन्हें जाना आवश्यक नहीं था लेकिन साथ दिया उन्होंने। इस तरह से माताओं ने जहाँ जहाँ उनमें योग्यता रही हमेशा साथ दिया है। शोका साथ दिया, अरुंधति तपस्या में बड़ी श्रेष्ठ थी, उनके बराबर तपस्विनी कोई है नहीं। तो इस तरह से उदाहरण हमारे यहाँ हैं, लेकिन हम लोग को विस्मृति हो गई है तो माताओं को फिर से स्मरण करना। बात घूम फिर कर वही आ रही है कि जब हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं। साधु समाज के जबरदस्त विरोध को देखते हुए मां योग शक्ति इन दिनों खामोश है, लेकिन उनका विचार फिलहाल जीवित है। हम किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते, लेकिन ये संकल्प मेरा 20 साल पहले उठा था कि मरने के पहले मैं किसी स्त्री को उच्च पद पर बिठाते जाता। महात्माओं ने मेरे को समझाया, सब अखाड़े के महंतों ने मेरे को समझाया कि आप धीरज रखें, जैसे आप आते जाते रहते हैं आपका स्नेह रहेगा, ये सब रहेगा तो सब चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएंगी। और बदल गई, हम देख रहे हैं बदल। अभी संतोषी माता भी हमारे अखाड़े से हैं, तो इन महंतों ने हमें समझाया कि धीरे धीरे हो जाते, एक रात में तो नहीं होता ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो धीरे धीरे सब काम होता है। एक दिन में हम स्वयं तो नहीं चल सकेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा करके पहुँचेंगे। इसलिए माताओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उन्हें माता भी बनना है, उन्हें भगनी भी बनना है, उन्हें पुत्री भी बनना है, उन्हें गुरु भी बनना है, दोनों बनना है, क्योंकि माता पहली गुरु होती है। था एक और नजरिया, माँ योग शक्ति की लड़ाई बहुत लंबी है लेकिन नामुमकिन नहीं। कम से कम उनका भरोसा तो यही आभास दिलाता है। हमने बहुत ईमानदारी से एक विचार, एक नजरिया आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम भी इससे सहमत हैं। आज बस नहीं, हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।